बाइक तुम लोग चलो बाइक पे, फिर ये आ जाएगी। नहीं, आप अपना माइक जरा बंद कर दें, जिसका किसी का माइक जो है वो भी ओपन है, ठीक है। और अभी हमारा लेक्चर चल रहा था और हम फ्रॉड पे चल रहे थे, फ्रॉड वाली स्लाइड हम कर रहे थे, ठीक है। मैं इसको दोबारा पढ़ देती हूँ। फ्रॉड आ फॉल्स स्टेटमेंट डेलिबरेटली मेड फॉर क्लास। मैम, आप हम कौन से थे? फ्रॉड फ्रॉड पे पे? नहीं थे? हम जी जी हम फ्रॉड फ्रॉड पे थे पे मैम मैम इस फ्रॉड ही साल फ्रॉड का। थे हाँ जी, मैम, इस फ्रॉड ही साल पढ़ ना लेते फ्रॉड ही हो गए। चलें। अपनी अपने माइक को बंद कर लें, शाबाश। और ये शुगर पार्टी हम रिकॉर्डिंग के बाद जो है वो आपकी सुनने सुनूंगी मैं भी, और आपकी जो जो बातें और जो जो क्वेश्चंस होंगे मैं वो भी लूंगी, जाहिर है आप लोगों के। तो अभी आप अपना ज़रा माइक बंद कर लें, अभी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और। हाँ जी, हमारे पास आ गया जी फ्रॉड। अ फॉल्स स्टेटमेंट डेलिबरेटली मेड टू डिसीव, फ्रॉड इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्ट्स। फैक्ट विच इज़ नॉट ट्रू, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज, एक्ट फिट टू डिसीव, फ्रॉडुलेंट एक्ट। यानी ऐसा डेलिबरेटली आप जानते बूझते हुए कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कि फ्रॉड के अंडर आता है, तो तब भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी कोई आप लोगों को खुद भी पता है कि अगर ऐसा कोई काम होता है जिसमें फ्रॉड होता है तो फिर वो लीगल नहीं रहता, उसमें आप दूसरी पार्टी के ऊपर क्लेम कर सकते हैं कि आपने फ्रॉड किया है। इसमें इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड भी होते हैं, लैंड से रेलिवेंट, शेयर से रेलिवेंट भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं जिनके ऊपर जिसमें फ्रॉड शामिल होता है। आपको बताया मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, बताया कुछ जाता है और किया कुछ जाता है, तो ऐसी सूरत में या कोई चीज़ इंटेंशली आपके साथ कंसील की जा रही है और उसमें भी ये चीज़ शामिल हो सकती है। और अगर कोई पार्टनरशिप कर रहा है, पार्टनरशिप की भी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई हम पार्टनरशिप डीड करते हैं, जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो जब भी डीड होती है उसमें भी सारी चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ईच एंड एवरीथिंग यू इज़ डिफाइंड। और अगर उससे थोड़ा भी इधर उधर इधर उधर बात होती है तो तब भी उसको हम फ्रॉड के अंडर लेकर आते हैं, ठीक है। और अगर किसी की गारंटी दी हो, ये मैं आपसे थोड़ी इसकी एग्जांपल शेयर कर रही हूँ, क्योंकि डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर चीज़ बताकर करनी होती है। अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर आप अपनी इंटेंशन के साथ आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे, कोई मटेरियल बाय करते हुए या कोई पार्टनरशिप करते हुए, किसी की गारंटी देते हुए या कोई शेयर्स वगैरह खरीदते हुए या कोई इंश्योरेंस करते हुए, इंश्योरेंस आप करवा रहे होते हो और तब भी इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ अगर कोई किसी चीज़ को, किसी बात को कंसील कर जाए, फॉर एग्जांपल उसने अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपके साथ डील की हुई है कि आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस है और आपकी जब गाड़ी डिस्ट्रॉय होगी तो उसकी 50% चार्जेस या 100% चार्जेस, जो भी आपका रेशियो डिसाइड हुआ है, वो कंपनी पे करेगी, यानी वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और अगर कोई ऐसा या कोई अमाउंट डिफाइंड होती है कि इतना अगर एक्सपेंस होगा तो उसको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और एट द टाइम ऑफ दैट डिस्ट्रक्शन अगर वो काम हो जाता है, इंश्योरेंस की या रिपेयर की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी तब डिनाई कर दे, तो तब भी वो चीज़ फ्रॉड के अंडर आएगी। या इन केस जब लाइफ इंश्योरेंस होती है उसमें अगर आप, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें पर्सन की हेल्थ को देखा जाता है। और अगर ऐसी सूरत में भी कोई आप जो अदर पार्टी या जो इंश्योरेंस करवा रही होती है वो अगर कोई नॉलेज में होते हुए भी कोई फैक्ट को कंसील कर ले, उसको नहीं शेयर करे, तो तब भी वो चीज़ फ्रॉड में आ जाती है, ठीक है। तो कांटेक्ट करते हुए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अपनी आपने आंखें चार रखनी होती हैं इसमें। आपने ये नहीं देखना होता कि भाई अगला बंदा अंधे अंधे की तरह एतमाद नहीं करना होता, और वो तो कोई भी नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये बिजनेस की डील्स होनी है, बड़े बड़े काम होने हैं तो, और पैसा इन्वॉल्व होगा, तो आपने अपनी आंखें वैसे ही चार कर लेनी होती हैं, मतलब दूसरी वाली चार नहीं, आंखें खोल के आपने काम करना होता है, ठीक है। आगे जी, आगे हमारे पास मिस रिप्रेजेंटेशन।
जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कोई फॉल्स स्टेटमेंट होगी और आपने उसको मिसरिप्रेजेंट कर दिया है, तो तब भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अवॉइडेबल हो जाएगा, वो वैलिड नहीं रहेगा. ठीक है, अ फॉल्स स्टेटमेंट विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, दिस विल बी मिसरिप्रेजेंटेशन और इट मेक्स कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल. और इसमें इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, इसमें जो आपका मुद्दई होता है, मुद्दई द फैक्ट दैट इसको प्लेंटिफ कहते हैं, अगर वो आप कोई ऐसा बंदा है जो आपकी मिसरिप्रेजेंटेशन की गवाही दे दे, तो तब भी आपको वो फिर आपके ऊपर चार्ज हो जाता है. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप डिक्लेरेशन साइन करवाएं. और अगर कोई डिसीव करना चाह रहा है या एडवांटेज लेना चाह रहा है कुछ ऐसा करके, जिससे आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखी भी है जिसको आप फुलफिल नहीं कर रहे, तो तब भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल हो जाएगा और वो भी इस चीज़ में शामिल हो जाएगा. अच्छा, अब इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो आप लोगों ने खुद से करनी ही है, ये आपका थोड़ा सा छोटा सा होमवर्क भी है. अभी तो ये बहुत आसान है, आप लोगों को नज़र भी आ रहा है और इतना मुश्किल नहीं है, तो इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लें साथ साथ कि आपने खुद से सर्च करना है कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क होता है. ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत आसान सा है. तो इसके दो तीन बेशक पॉइंट्स लिखें, लेकिन आपने ये चीज़ जो है वो आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है और फ्रॉड क्या है. ठीक है, फ्रॉड एक्चुअली में थोड़ा सा मैं भी आपको बता देती हूँ. फ्रॉड में आप डेलिब्रेटली काम कर रहे होते हो ऐसा, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में आपकी समटाइम्स इंटेंशन नहीं होती, लेकिन वो डिसीव कर जाते हो आप. आपकी आपका ऐसा मतलब नहीं होता कि आप अगले को धोखा ही देंगे, लेकिन फिर भी ये अगर हो जाए तो दिस विल बी मिसरिप्रेजेंटेशन. इसमें इंटेंशन जैसे कि हमने लिखा हुआ है, अ फॉल्स स्टेटमेंट विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, इसमें इंटेंशन शामिल नहीं होती. ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर देता है. ठीक है, और अब आ जाते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, विच इज मिस्टेक. अच्छा, इसमें एक एग्जांपल मिसरिप्रेजेंटेशन में ये भी हो सकती है कि जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं, कुछ लोग क्या, बल्कि जब बाहर से मंगवाया जाता है कुछ बल्क में सामान मंगवाया जाता है, तो उसके वेट से रेलिवेंट भी समटाइम्स मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ और वैसे तो वेट का एक जैसा ही होता है, लेकिन टन्स में समटाइम्स गैलन्स का जब ऑयल स्पेशली मंगवाया जाता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. जो बंदा ऑयल में बिजनेस कर रहा हो उसको इस चीज़ का बेहतर पता होता है कि कितने गैलन्स को टन कहेंगे, इस चीज़ का पता बहुत होना ज़रूरी है. हो सकता है कि हम जहाँ से ऑयल मंगवा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अफगानिस्तान से पाकिस्तान में अगर ऑयल मंगवा रहे हैं, मैं मंगवा रही हूँ, और मुझे ये पता है कि जी अगर 50 गैलन्स इतने इतने मिलीलीटर की होंगी तो तभी वो एक टन में जाएगा. ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अफगानिस्तान हो सकता है वो 50 गैलन्स नहीं हो, या उनकी गैलन्स का की मेजरमेंट में थोड़ा फ़र्क हो, तो वो चीज़ जो होगी जब आप ऑफ़र कर रहे होंगे उस टाइम पे चीज़ों को डिस्क्लोज करना, उस टाइम पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, और अगर ये चीज़ें पहले से ही क्लियरली डिफाइन हो जाएं, तो उससे आपका आपको पता होगा कि कितने गैलन ऑयल जो है वो मंगवाया जाएगा, तो तभी वो मेरे यहाँ के एक टन में कैलकुलेट होगा. ठीक है, तो इस समटाइम्स ऐसे भी हो जाता है कि आपको पता नहीं होता, आपको उस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं होती, और उस वजह से भी मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाती है. लेकिन उसमें कोई ऐसी फ्रॉडलेंट होने की, फ्रॉड करने वाली इंटेंशन जो होती है वो शामिल नहीं होती. ठीक है, इसको आप थोड़ा सा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस लॉ थोड़ा सा गूगल भी कर लीजिएगा इस पॉइंट को. और अगर आपने मज़ीद इसके बारे में, चूँकि मैंने आपको कहा मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड का थोड़ा सा डिफरेंस आपने करनी मतलब खुद भी करना है, तो वो आप लोग खुद भी देखिएगा. और अगर आपको ज़्यादा इन डिटेल पढ़ना होगा तो आपके साथ मैं बुक से भी शेयर कर लूँगी इसका स्क्रीन शॉट.
ठीक है, तो अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। अगला पॉइंट है जी मिस्टेक। अब इसके नाम से ही जाहिर है कि इसमें थोड़ा सा इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये शामिल होता है कि है ये मिसरिप्रेजेंटेशन, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी विलिंगनेस भी शामिल हो जाए तो वो मिस्टेक हो जाती है, कि गलती से थोड़ी गलती हो गई हमसे जिसकी वजह से ये हो गया। मिस्टेक जो होती है ये अनसाउंड मिसरिप्रेजेंटेशन का भी इसको नाम दिया जाता है, ठीक है, ये आप लोग लिख लें, ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ, आप अपनी कॉपीज के ऊपर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मिस्टेक इज ऑल्सो कॉल्ड एन अनसाउंड मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक इज ऑल्सो कॉल्ड एन अनसाउंड मिसरिप्रेजेंटेशन एंड डिफर्स फ्रॉम फ्रॉड विच इज ऑल्सो कॉल्ड विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इसको भी हम मिस्टेक कहेंगे कि इसमें थोड़ी सी है, ये सारा काम इसमें मिस्टेक वो मिसरिप्रेजेंटेशन वाला, लेकिन इसमें थोड़ी सी विलिंगनेस भी शामिल हो गई है, तो फिर इसको हम कहेंगे कि ये विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन है, सो दैट्स वाई दिस विल बी कॉल्ड मिस्टेक। क्लास एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, मैं मुझे कॉल आ रही है, मैं यहाँ पे म्यूट कर रही हूँ सिर्फ। जी तो क्लास, हमने देख लिया कि अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं। मैम जी जी हम लोगों का, आपको याद है कि पिछला लेक्चर कितना टाइम का था और अभी कितना टाइम हो, मतलब अभी तो जाहिर है 40 मिनट्स नहीं हुए होंगे शायद। मैम 40 मिनट्स, मैम हाँ जी मैम 40 मिनट्स हो गए हैं, अब के पिछला लेक्चर 1 घंटे का चला था, 1 घंटे से नहीं, नहीं घंटे का नहीं था, मुझे याद है अच्छे से, वो 23 मिनट का कोई चला था मैम, जो रिकॉर्डेड था, जो मतलब एक्चुअली में रिकॉर्डेड था, उससे पहले तो हमने थोड़ी देर बातें भी की थी, ठीक है। तो अभी मैं एक और पॉइंट पढ़ रही, अभी एक और हमारा टॉपिक है, मैं वो भी कर रही हूँ, ये हम होपफुली 5 से 7 मिनट में इसको कवर कर लेंगे, ठीक है, तो 5 से 7 मिनट में हम इसको कवर कर लेंगे, तो होल्ड ऑन, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये आसान है और आपने खुद भी, वरना ये मैंने आपको खुद से स्टडी करने को दे देना है कि आप खुद स्टडी कर लेंगे वाला, और फिर इससे रेलिवेंट हाँ जी मैं आपको पढ़ा देती हूँ इसी, जैसे अगर मैं विलिंग हूँ पढ़ाने के लिए तो आप पढ़ लें, 3 स्लाइड्स हैं सिर्फ इसकी, ठीक है, और ये जल्दी से हो जाएंगी और फिर आप लोग फ्री हैं, फिर आपने कोई बातचीत करनी है, कोई क्वेश्चन करना है तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव दैट मीटिंग, ठीक है। अगला हमारे पास आ गया लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें अगर कंसीडरेशन शामिल नहीं है, ठीक है, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, ठीक है। कंसीडरेशन को, ये क्या चीज आ रही है मेरी स्क्रीन के ऊपर, प्लीज रिमूव दिस, आपको भी नजर आ रहा है? हेलो यस मैम, यस जी मैम, अभी ये हटने लगा जी, हट गया, चले हाँ। ये आप लोगों में से तो कोई नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने पहले भी क्लास लिया, कोई ऐसी स्क्रीन पे ऐसा कुछ गंद नहीं मच रहा था जो अभी हो रहा है। मैं, हमारी स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही तो हम कैसे कर सकते हैं? नहीं स्क्रीन तो शेयर नहीं हो रही, दैट्स फाइन, लेकिन आप लोग पंगे तो ले सकते हैं ना, जो कि आप लोग अभी थोड़े से मिडिल वाले बच्चे हैं। नो मैम, मैम ये सिर्फ होस्ट कर सकता है। चलें चलें ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर। मैम ये मेंबर्स कुछ नहीं कर सकते, जो होस्ट है वही कर सकता है, ये उसके हैंड में है सब कुछ। जी जी ठीक है जी, मेरे हैंड में है सब कुछ,
चले हम आ जाते हैं लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट में पढ़ रही हूँ मैम, हम तो पहले फ्रॉड में जा रहे हैं। अच्छा जी चलें, आप अपना माइक जरा बंद कर लें, मैं इसको आगे कर रही हूँ, मैं और लेक्चर तो माशाल्लाह से रिकॉर्ड भी हो रहा है। अच्छा जी आ जाते हैं हम के कंसीडरेशन क्या होती है। When the desire of the proposer, इसको ध्यान से सुनिएगा ठीक है, when at the desire of the proposer, the promise or any other person, the promise or any other person abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such an act or abstinence of promise is called consideration of the promise. वैसे तो कंसिडरेशन इस चीज़ को नहीं कहते ठीक है, ये अभी हम जो लॉ में पढ़ रहे हैं मतलब बिजनेस लॉ में जो पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा उससे ऑपोजिट है ठीक है, थोड़ा सा उससे ऑपोजिट है कि जब कोई बंदा किसी एक्ट को करने की तरफ नहीं आ रहा। एक सेकंड क्लास, मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ आ रही है ठीक है, और उसकी वजह से ये ऊपर लाइन्स सी आ रही हैं और ये बार बार आ रही है, सुनिए लेकिन लेक्चर थोड़ा सही है। अगर प्रोमिसी और प्रपोजर के दरमियान कोई ऐसा काम हो रहा है जिसमें प्रॉमिस करने वाला जो है वो किसी काम को करने के लिए एब्सटेन कर रहा है, इजतनाब कर रहा है, वो उसके लिए उतनी विलिंगनेस नहीं दिखा रहा, तो उसको हम कहेंगे कि ये कंसीडरेशन की तरफ आ रहा है, कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस है ये ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं जी, वो नीचे करेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। कंसीडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम प्रॉमिस ठीक है, बल्कि ये प्रॉमिस ही आएगा यहाँ पर, जिसके साथ वादा किया जा रहा होगा उसकी साइड से कंसीडरेशन आनी चाहिए, उसकी साइड से थोड़ी सी किसी काम को करने के, उस काम को करने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ उसकी एब्सटेनेंस आनी चाहिए, वो इजतनाब कर रहा है। एब्सटेन का मतलब ये होता है ना, आपने पढ़ा होगा एब्सटेन फ्रॉम का मतलब है कि इजतनाब करना ठीक है, वो प्रेपोजिशंस में आपने पढ़ा होगा ठीक है। इट मे बी गिवन बाय द प्रोमिसी और बाय एनी अदर प्रोमिस ठीक है, ये प्रोमिसी भी दे सकता है और ये कोई और एनी अदर पर्सन आएगा यहाँ जी, ये प्रोमिसी भी दे सकता है और जो दूसरा पर्सन है ये वो भी दे सकता है ठीक है, यानी कि दोनों पार्टीज जो है वो प्रॉमिस करने से इजतनाब कर सकती हैं, या कोई इसमें थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है जो कि इसको इससे इसको करने की तरफ आपको रेजिस्टेंस दिखा रहा है ठीक है। कंसीडरेशन इज पेड बाय द कमीशन और एब्सटिनेंस ऑफ एन एक्ट, अगर कोई बंदा इस चीज को करने के लिए अभी ये जो लाइंस है ये वहां पर आ रही हैं जो इसको मैं पढ़ मतलब वहां पे आ रही हैं, मैं उसको नहीं पढ़ रही, मैं नीचे से पॉइंट्स पढ़ रही हूँ करेक्टरिस्टिक्स, वो क्लियर है विजिबल है, आप उसको देखें उसकी समझ लगेगी आपको। चलिए मैं आपको सिंपल वर्ड्स में जुबानी भी बता देती हूँ कि ये है क्या। अगर दो प्रपोजर और प्रपोजी के दरमियान जो ऑफर और प्रोमिजी है उसके दरमियान में अगर कॉन्ट्रैक्ट से रेलिवेंट प्रोमिसी की काम को करने के लिए कोई एब्सटेनेंस दिखा रहा है, कोई उसमें इजतनाब दिखा रहा है, तो उसकी सूरत में उसको कोई ना कोई पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना, फिर वो उसको थोड़ा कोई पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए वो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि कंसीडरेशन इज पेड बाय द कमीशन और एब्सटेनेंस ऑफ एन एक्ट ठीक है, और इट माइट बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट कंसीडरेशन इज doing or abstaining from doing anything at the time of the contract, agar koi at the time of contract abstain kar raha hai koi kaam karne ko to usko kahenge hum present consideration।